नमस्कार दोस्तों, विल्लास किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ बिना लहसुन प्याज की मखाना मटर पनीर, जो आपको खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी और मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से बनाया है। तो सब्जी की ग्रेवी के लिए मैंने लिए हैं 10 से 15 काजू, ये टुकड़ा काजू है जिसको मैंने गर्म पानी में भिगो दिया था, 3 टमाटर और 4 हरी मिर्च, इनको मैं पीस लूँगी। देखिए सभी को मैंने काट लिया है, अब मैं इनको एक साथ मिक्सी में पीस लूँगी और इनका एक पेस्ट बना लूँगी। देखिए मैंने सभी को मिक्सी में पीस लिया है और एक फाइन पेस्ट बना लिया है, आपको ऐसा ही पेस्ट बनाना है। देखिए तो चलिए अब ग्रेवी की तैयारी करते हैं। देखिए मैंने सब्जी में डालने के लिए एक कटोरी मखाने लिए हैं और छोटी कटोरी मैंने मटर लिए हैं, ये फ्रोजन मटर है। मैंने एक नॉनस्टिक पैन लिया है, इसमें 2 चम्मच घी डाल दूंगी और घी को हम गर्म होने देंगे। देखिए घी गर्म हो गया, अब मैं इसमें मखाने डाल दूंगी और मखानों को मैं भून लूंगी घी के साथ। मखानों को हमें ज़्यादा देर नहीं भूनना है, मैं 1 मिनट तक मखानों को भून लूंगी, इससे मखाने थोड़े क्रिस्पी हो जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे सब्जी में। मखानों को मैंने 1 मिनट तक भून लिया, अब मैं इसमें मटर डाल दूंगी और मटर को भी हम मखानों के साथ भून लेंगे, क्योंकि ये फ्रोजन मटर है तो इनको हमें ज़्यादा देर नहीं भूनना है। अगर आप फ्रेश मटर लेंगे तो उनको आप पहले उबाल लें, फिर उसके बाद ऐसे ही मखाने के साथ भून लें। तो मटर को भी मैं 1 मिनट तक मखाने के साथ भून लूँगी। मटर और मखाने मैंने दोनों भून लिए हैं। अब इसी पैन में मैं तेल डाल दूँगी, मैंने 2 चम्मच सरसों का तेल लिया है। अब तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। देखिए तेल को मैंने अच्छे ढंग से गर्म कर लिया, अब मैं इसमें डालूँगी 1/2 चम्मच जीरा। अब जीरा को हम थोड़ा पकने देंगे, साथ ही डालूंगी इसमें 1 तेज़पत्ता, 2 छोटी इलायची, 2 टुकड़े दालचीनी के। अब मैं इनको थोड़ा सा पकने दूंगी। खड़े मसालों को मैंने तेल में अच्छे ढंग से भून लिया, अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी हल्दी और 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे। तेल के साथ ऐसे मसालों को भूनते हैं तो बहुत अच्छा कलर आता है सब्जी में। अब इसमें मैं काजू और टमाटर का पेस्ट डाल दूंगी और पेस्ट को हम अच्छे ढंग से पकने देंगे और गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। मसालों और टमाटर के पेस्ट को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब टमाटर को हमें तब तक पकाना है जब तक ये तेल ना छोड़ दे, क्योंकि एक खटास सी रह जाती है सब्जी में, हमें टमाटर को बहुत अच्छे ढंग से पकाना होता है। ग्रेवी हमारी गाढ़ी है तो मैं इसमें 1 कटोरी पानी डाल दूंगी। टमाटर हमारे जल्दी से पक जाए तो उसमें डाल दूंगी मैं नमक, और नमक आप अपने स्वाद के अनुसार लें, और साथ ही डाल दूंगी 1 चम्मच धनिया पाउडर। और सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी को अब मैं ढककर लो फ्लेम में पकने दूंगी। दस मिनट हो गए हैं, ढक्कन हटाकर देखते हैं। देखिए तेल हमारे ग्रेवी के ऊपर आ गया है। अब मैं ग्रेवी को 2 मिनट तक खुला पका लूंगी। ग्रेवी को मैंने 2 मिनट तक खुला ही पका लिया है, ऐसा कलर भी चेंज हो गया है। तो ग्रेवी हमारे पककर बिल्कुल रेडी है। थोड़ी ग्रेवी मुझे थिक लग रही है तो मैं इसमें थोड़ा पानी डाल दूंगी। तो मैंने एक कटोरी के करीब इसमें पानी डाल दिया है। तो अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी कसूरी मेथी, मैंने 1/2 चम्मच कसूरी मेथी ली है, जिसको हाथों से क्रश कर लिया है। और साथ ही डाल दूँगी मैं थोड़ा सा गरम मसाला, और गरम मसाले को और ग्रेवी के साथ मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें डाल दूँगी मटर और मखाने, और साथ ही डाल दूँगी पनीर, ये 200 ग्राम पनीर है जिसको मैंने क्यूब में काट लिया है। अब सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जी थोड़ी गाढ़ी है तो मैं इसमें 1 कटोरी के करीब पानी डाल दूंगी, मैंने गर्म पानी लिया है। सब्जी में गर्म पानी ही डालें क्योंकि हमारी सब्जी पक चुकी है
ठंडा पानी डालने से सब्जी का टेस्ट बिगड़ जाता है। अब मैं सब्जी को 2 मिनट तक लो फ्लेम में ढककर पका लूँगी। देखिए 2 मिनट हो गए, ढक्कन हटा कर देख लेते हैं। देखिए हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। सब्जी में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने इसमें अदरक लहसुन का कोई यूज़ नहीं किया है। अब मैं इसमें धनिया डाल दूंगी। इस तरह एक बार सब्जी घर में ज़रूर बनाएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।